कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 6 महीने से किसानों का धरना जारी है, लेकिन अब किसान आंदोलन का कोरोना कनेक्शन भी सामने आया है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि किसान आंदोलन की वजह से गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इन सबके बीच भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार नाम के एक गुट ने सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत कोरोना से होने का दावा किया। बीकेयू के किसान सरकार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी भोपाल सिंह काकरन ने यह कहा कि अगर कोरोना से हम इस तरह किसानों की मौत हो रही है तो किसान आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए किसान आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित करना ही सही होगा। तो कोरोना से किसानों की मौत का दावा किया गया है और जो बीकेयू किसान सरकार नाम का संगठन है, किसानों से अपील की है कि कुछ दिनों के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया जाए। 2 किसानों की मौत का दावा किया गया है। दरअसल 2020 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और टिकरी सिंघू बॉर्डर पर किसानों का धरना अभी भी जारी है। ऐसे में अब किसानों से आंदोलन को स्थगित करने की मांग की गई है। हमारे 2 किसान सिंघू बॉर्डर में कोरोना से मर गए और इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा। इसीलिए मेरा एक निवेदन था कि देश की विकट स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। एहतेशाम खान टिकरी बॉर्डर से है, चंदन जजवाड़े गाजीपुर बॉर्डर से हैं, इसके अलावा अमित सिंह हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं एहतेशाम, जो इस वक्त स्थिति है क्योंकि 2 किसानों से मौत का दावा किया गया है। इस बीच किसान सरकार नाम के संगठन ने कहा है कि किसानों को आंदोलन स्थगित करना चाहिए। टिकरी बॉर्डर पर किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर के उस खास जगह पर हूँ जहाँ पे ये स्टेज लगा हुआ है। यहाँ पे इन लोगों की, जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मीटिंग 9:30-10 बजे होती है। उसके बाद 11 बजे के करीब लोग यहाँ पर जमा होते हैं और उसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं कि ये टेंट्स हैं यहाँ पर, इन्हीं टेंट्स में लोग रह रहे हैं। जो पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको लेकर ये आंदोलन अभी भी यहाँ पर जिंदा नजर आता है, जिसमें लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि इस वक्त तादाद कुछ कम नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है और चारों तरफ गंदगी सी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर हैं। और जो बातें हमारी हुई हैं यहाँ पे, जो ये किसान नेता हैं उनसे बातें हुई हैं, वो लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि अभी जो इनका आंदोलन है वो जारी रहेगा। हालांकि कोरोना का एक खतरा भी मंडरा रहा है ऐसे में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं वो तैनात हैं और उनका कहना है कि वो अपने आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। और ये एक बड़ा एक खतरा हो सकता है जिस तरह से लोग यहाँ पर जमा होते हैं, 11 बजे के आसपास मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद लोग यहाँ पर मिलते हैं आपस में और आंदोलन इनका चल रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि हम टिकरी बॉर्डर पर देख सकते हैं। और जो टेंट्स हैं उनको भी अभी रखा गया है यहाँ पर, जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि बारिश में उस पर किसी तरह का वहाँ पर नुकसान ना हो। तो ये स्थिति यहाँ पर टिकरी बॉर्डर में किसान आंदोलन को लेकर है। जी ठीक है एहतेशाम। इस बीच बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने साफ कहा कि आंदोलन कर रहे किसान जैसे जैसे गांव की तरफ लौटते कोरोना तेजी से फैलता चला गया। जो बॉर्डरों पे जो भीड़ जमा थी, बड़ी संख्या में एक साथ रह रहे थे, अनेक लोग उसमें बीमार हो गए, अनेक लोगों को कोरोना हो गया। और जब वो वापस लौट रहे हैं, अब तक गांव सुरक्षित थे, गांव में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे किसान इस आंदोलन के वापस लौटता गया है और उसके बाद कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारना शुरू किया है। ये किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान प्रतिनिधि वो भी जिम्मेदार हैं। चंदन के पास चलते हैं। चंदन, आप भी